सो हेलो गाइस, इस बार मैं फिर से खेलने वाला हूँ ग्रैनी, और इस बार मैं डायरेक्ट बाहर जाना चाहूँगा और देख लेंगे। अगर मैं मरता हूँ तो मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा। ग्रैनी मुझे देखे इससे पहले। एंड मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर बिना किसी परेशानी के। एंड बाय बाय ग्रैनी, अब मैं नीचे चलता हूँ। ओह, इस बार कार की चाबी है इधर। अरे कहाँ गड़बड़ी है भाई। चलो मैं बर्मा अलमारी के अंदर बंद हो चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैनी को आने दो। तो इस बार मुझे गाड़ी की चाबी मिली है, बस मुझे इंतज़ार है यहाँ से निकलने तक का। एंड फिर मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ से आसानी से निकल पाता हूँ या नहीं। तो अभी ग्रैनी के पैरों की आवाज़ आ तो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद चली जाएगी वो। तो अभी वो कोई चीज़ प्लांट कर रही है नीचे। ओके, तो मुझे अभी निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना कि मैं निकलने की कोशिश करता हूँ तो ग्रैनी वहाँ से पता नहीं कहाँ से अवतरित हो जाती है ग्रैनी। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से चलना चाहिए मुझे। ग्रैनी की कोई प्रॉब्लम है यार, मैं जब भी मतलब मैं जब भी आने की कोशिश करता हूँ या जाने की कोशिश करता हूँ तो ग्रहणी क्यों कहाँ से आ जाती है मुझे पता नहीं है, पर ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत है गाइस, और इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ी मुसीबत होने वाली। आ रही भाई, कहाँ से आवाज़ आई। अरे ग्रैनी गायब होगी क्या भाई, ग्रैनी दिखाई क्यों नहीं दे रही। हैं, अबे ग्रैनी गायब हो गई, ग्रैनी ने दरवाजा खोला पर ग्रैनी अंदर नहीं आई, या फिर ग्रैनी के पास कोई अदृश्य होने की शक्ति आ चुकी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई क्यों टेंशन दे रहे हो मुझे ऐसे, मुझे पहले बता देना चाहिए था कि ग्रैनी यही है। ओ कोई बात नहीं, थोड़े आराम से चल लेंगे, कोई ज्यादा मुसीबत की बात थोड़ी ना है। एंड ग्रैनी यहां पर दोबारा से आएगी मुझे पता है, पर मैंने वास लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी इस बार। ग्रैनी को जाने दो एंड फिर हम बाहर निकलते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत की बात तो होगी नहीं, तो अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। बात तो यहीं पर आती है ना, तो ग्रैनी जा चुकी है क्या, मेरे ख्याल से जा चुकी है। ऐ निकल लो रे, ऐ निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले एंड छुप जा। भाई
की मुसीबत मुसीबत। आखिरकार मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। तो ओके, ग्रैनी ने इधर कुछ प्लांट किया। एंड क्या मुझे उठना चाहिए इधर से? ग्रैनी के हाथ में बेसबॉल बैट है और मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, मैं इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और मैं जैसे ही उठूंगा ना, ग्रैनी बहुत जल्दी आएगी। निकल लो भाई निकल लो, मरेंगे तो मर जाएंगे। अरे हट जा भाई। मैं इसको अभी गिरा भी तो नहीं सकता। ओ ग्रैनी, ये कैसे हुआ? गाइज ये गेम है ना, मैं यहीं पे खेलना छोड़ रहा हूँ बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब अगर आप लोगों को ये वाली गेम प्ले पसंद आई हो तो गाइज लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही गेम प्ले वीडियो में जुड़े रहना चाहते हो तो वो जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है दबा देना उसे। फ़िलहाल ये गेम प्ले मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे पार करूं और ग्रैनी को मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि इसमें हमारी स्पीड कम है और ग्रैनी की स्पीड ज़्यादा है। तो वो हमें अगर देख लेती है तो वो तुरंत पीछे पड़ जाती है, ज़रा सी आवाज़ आती है तो भी पीछे पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा मुसीबत है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा टाइम लगा सकता हूँ इसको मतलब पार करने में और कुछ दिन। तो गाइस तब तक के लिए बाय, और मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में मिलता हूँ आप सभी से। ठीक है, और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, तो मैं अगले वाले गेम प्ले वीडियोस में मिलता हूँ आप सभी से।